नमस्कार दोस्तों, उदयपुर में स्थानीय नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। वार्ड नंबर 18 से जनता सेना के स्थानीय और लोकप्रिय उम्मीदवार गिरीश जी भाई साहब हमारे साथ में हैं। नमस्कार गिरीश जी भाई साहब, से जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड 18 के लिए इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है, क्या कार्य योजना लेके आए हैं वार्ड 18 के लिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या नया लेके आएंगे, पिछले 5 सालों में क्या होना था, क्या हुआ है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे, वार्ड की समस्याओं को लेकर बात करेंगे। तो गिरीश जी भाई साहब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आपको जनता सेना की उम्मीदवारी के लिए। और गिरीश जी भाई साहब, उदयपुर शहर को लेकर एक बात चली आ रही थी कि सबसे बेहतरीन शहर, स्थानीय निकाय चुनाव हैं, आप वार्ड 18 से दावेदारी कर रहे हैं, क्या कार्य योजना है वार्ड 18 के लिए? दिनेश जी, सबसे पहले तो आभार आपका और कि आपने, आप एक माध्यम बने कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे, आपका चैनल एक माध्यम बना कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊं। अब बात आती है इलेक्शन की। इलेक्शन तो एक टॉपिक है दिनेश जी, कि इलेक्शन तो हर साल होते हैं, हर साल बोर्ड बनता है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में पार्षद आते हैं, MP आते हैं, MLA आते हैं, पर उसका असर कितना है बात वो होती है। एक मैं छोटी सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा आप खुद कह रहे थे कि सबसे सुंदर शहर में हम लोग रहते हैं, और इस बात का हमें गर्व भी बहुत है और होना भी चाहिए, पर जो हमारा शहर है, आप ये सोचिए, एक आदिवासी अंचल का क्षेत्र डूंगरपुर, ठीक है, 5 साल में किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि 5 साल में उसका पूरा नक्शा चेंज कर दिया। तो फिर आपके 5 बोर्ड में यहाँ पे क्या किया, मुझे वो नहीं समझ में आता है। महत्वपूर्ण बात ये कि गिरीश जी भाई साहब ने वार्ड से पहले उदयपुर को प्राथमिकता देते हुए उदयपुर के समग्र विकास की बात सबसे पहले करी। वार्ड की तरफ भाई साहब बात जिक्र करने वाले हैं। ये बताया कि डूंगरपुर जैसा आदिवासी अंचल का शहर पिछले 5 सालों में इसने जो तरक्की की है, हम सभी लोगों के सामने है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में इस बात का जिक्र आया कि डूंगरपुर शहर ने जिस तरीके से, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो रोशनी का मुद्दा हो, चाहे गार्डन्स की व्यवस्था हो, चाहे डिवाइडर्स हो, डूंगरपुर ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। गिरीश जी भाई साहब ने इस बात का जिक्र किया और उदयपुर की बात की, उदयपुर के विकास की बात की। अब बात करते हैं वार्ड की, वार्ड को लेकर क्या विज़न है। और इन्होंने एक बात ये भी कही कि पिछले 25 सालों में एक ही पार्टी का बोर्ड रहा, और इस 25 सालों की जो दशा है इस पर भी गिरीश जी चिंतित लगे। दिनेश जी, 25 साल किसे बोलते हैं बताएं आपको, कि एक जो बच्चा पैदा होता है ना, 25 साल में उसकी शादी हो जाती है और वो फिर से बाप बन जाता है। महत्वपूर्ण बात यह कि उदयपुर के संदर्भ में इन्होंने बोला 25 साल में तो एक बच्चा बड़ा होकर बाप बन जाता है, उदयपुर को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इच्छा शक्ति की उदासीनता है, यहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होती, आयड़ को वेनिस कब से सुन रहे हैं आपके, वेनिस बनेगी। आज भी वहाँ से गंदे नालों का पानी ही जाता है। ठीक है, मानते हैं स्मार्ट सिटी में आने के बाद अब सीवरेज के काम चालू हुए, पर क्या उसके लिए इतने इंतजार की जरूरत थी? अब बात आती है हमारे वार्ड की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, कि एक आप जानते हैं मोबाइल से जो टावर्स लगते हैं उनका रेडिएशन जो होता है वो कितना हैवी होता है, और स्पेशली बच्चे और महिलाएं और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके लिए कितना हैवी होता है। मैं आपको देता हूँ, आपको ऑथेंटिक पेपर देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, आप जाके चेक कीजिए। यहाँ पर एक टावर सेंक्शन हुआ था किसी एड्रेस पर, उस टावर को हटा के दूसरी जगह खिसकाया गया, दूसरी जगह खिसका के तीसरी जगह खिसकाया गया, और जहाँ तीसरी जगह लगाया गया, जहाँ तीसरी जगह लगाया गया क्योंकि लोग विरोध करते गए, तो उनको एक जगह से टालना था, उन्होंने दूसरी जगह डाल दिया, फिर वहाँ से विरोध हुआ तो वहाँ से टालना था, दूसरी जगह डाल दिया। तो जहाँ तीसरी जगह लगाया गया है वहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे शाम को गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे घूमने आते हैं, बच्चे खेलते हैं। अब उसका जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का कितना इफेक्ट हो रहा होगा, किसको केयर है, किसी को केयर नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि अगर एक पार्षद चाहे, मैं आप जो बोल रहे थे क्या क्या कार्यप्रणाली होगी, मैं उस सीधे कार्यप्रणाली पे आता हूं। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति के बाद में मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आज एक वार्ड है,
आपको कहाँ जरूरी है कि उस वार्ड में सारा काम आपको करना है, आप लोगों को लो, साथ में लोगों से करवाओ ना, उस वार्ड को विभाजित करो, उन लोगों को विभाजित करो, उन लोगों को जवाबदारी दो, उनको जिम्मेदारी दो। आज डूंगरपुर क्यों विकसित हुआ है, डूंगरपुर में इतने सारे डेवलपमेंट क्यों आए हैं, उसका रीजन ये कि वहाँ की पब्लिक को उन्होंने जगाया है, वहाँ के लोगों को, वहाँ से निवासियों को जगाया है। तो जब तक एक पार्षद वार्ड के वासियों को टीम बना के साथ में लेके उनको ये महसूस करवा के कि ये हमारा घर है, इसको साफ हमें करना है, जब तक ये कार्य प्रणाली किसी पार्षद की नहीं रहेगी, उस वार्ड का उद्धार कभी नहीं हो सकता। हमारे जो भूतपूर्व पार्षद है वो कहते हैं हमने 22 करोड़ रुपये इस वार्ड में खर्च किए। चलो मैं सवाल नहीं उठाता, माना किए होंगे, पर ये मेरी सोच है, मेरा विजन है कि अगर 22 करोड़ रुपए किसी वार्ड में खर्च किए जाएं तो वो वार्ड पूरा वाईफाई हो सकता है, इतना हाईटेक हो सकता है। गिरीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वार्ड में 22 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है तो 22 करोड़ रुपए का काम दिखना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये भी कि अब तक वार्ड में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे और वो नहीं हुआ है? मैं बताऊं आपको, इसमें सबसे पहले जहां तक मेरी समझ है, देखिए मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूं, ना तो मेरा कोई राजनीति का कोई बड़ा एक्सपीरियंस है, ना ही मैं निगम में कभी किसी पद पर रहा हूं। मैं एक आम नागरिक हूं और इसी वार्ड से हूं, आप लोग सभी लोगों के बीच से हूं। मेरी जितनी समझ है उस समझ से मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूं कि एक वार्ड है, उस वार्ड में हर वार्ड की क्या समस्या होती है, बहुत जनरल समस्या है, नाली, पानी, रोड, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं। इन छोटी छोटी समस्याओं को भी अगर आप 5 साल में नहीं सुलझा पाते हैं तो आपने किया क्या? आज मैं बताऊं आपको, पहले भी पानी भरता था, आज भी हमारे वार्ड में पानी भरता है। मैं और दूसरी चीज़, एक ये होता है कि एक इच्छा शक्ति आपकी, एक मेरे को पूरे वार्ड का विकास करना है, एक आप पर्टिकुलर किसी एरिया में विकास कर रहे हो, कुछ लोगों को खुश कर रहे हो, कुछ लोगों को अपना बना रहे हो, जिससे ये कि आपको अगले चुनाव में सुविधा मिले, वोट मिले। ये रणनीति नहीं होती है या इस नीति के साथ वार्ड का विकास नहीं किया जाता है। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आप लोगों को जब जिम्मेदारी दो ना, निगम से आप पैसा ला रहे हो, उस पैसे को लोगों के थ्रू खर्च करवाओ, ना तो आपके ऊपर कोई उंगली उठेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि गिरीश ने, भाई गिरीश ने, जो कि वार्ड 18 से जनता सेना के उम्मीदवार हैं, एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि वार्ड में समितियाँ होनी चाहिए, वार्ड के स्थानीय लोग शामिल होने चाहिए विकास कार्यों में, ताकि विकास कार्यों की क्वालिटी, विकास कार्यों की गुणवत्ता उम्दा रहे, जनता में विश्वास रहे और जनता में जागरूकता रहे कि ये हमारा वार्ड है, इसका विकास हमें करना है। वार्ड का विकास होगा तो शहर का विकास स्वतः हो जाएगा, और शहर का विकास हुआ तो राज्य का विकास हो जाएगा, और राज्य का विकास हुआ तो भारत का विकास हो जाएगा। यहाँ पे दिनेश जी मैं आपको एक जगह टोकूंगा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप खुद इस चीज़ से समझ जाएंगे कि ये इस चीज़ पे मेरा विजन क्यों है या मैं इस चीज़ पे जोर क्यों डाल रहा हूँ। सपोज कीजिए मेरा मकान है 3/2, आपका मकान है 4/2 और वार्ड पूरा एक ही है और आप मेरे पास हो। मैं 3/2 की उस गली में पिछले 10 वर्ष से रह रहा हूँ, आपका 10 वर्ष में उस गली में आने जाने कभी काम नहीं पड़ा, अब आप पार्षद बन गए, अब आपको आना पड़ेगा। मैं कितने समय से रह रहा हूँ, 10 साल से, तो उस गली में मैं आपसे 10 साल सीनियर हूँ, तो उस गली का जितना एक्सपीरियंस मेरा होगा उतना आपका कभी नहीं हो सकता। अगर वो काम आप बींग पार्षद मेरे साथ जिम्मेदारी लेके और मेरे थ्रू करवाएंगे तो उस समस्या का हल भी मेरे पास होगा, उस समस्या का समाधान भी मेरे पास होगा। और इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो वो जितना इफेक्टिव काम होगा उतना इफेक्टिव कोई काम हो ही नहीं सकता, उतना इफेक्टिव कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? कि उस गली में मैं रह रहा हूँ तो उस गली को ज़्यादा अच्छे से मैं जानता हूँ। दोस्तों वार्ड नंबर 18 के लिए गिरीश जी जो जनता सेना की तरफ से उम्मीदवार हैं, महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं कि आप ही लोगों को जो कि वार्ड के निवासी हैं, विकास कार्यों में आपको शामिल किया जाएगा, और क्योंकि आप ही कुंजी हैं वार्ड की और आप ही वार्ड में सीनियर हैं, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं, आप ही बेहतर जानते हैं, तो आपको शामिल करके विकास कार्यों को किया जाएगा। अब बात करते हैं इनसे कि विपक्ष की बीजेपी का कैडर काफ़ी मजबूत है वार्ड में, बीजेपी का घर माना जाता है वार्ड नंबर 18। इससे पहले मैदान में अब करीबन 6 अन्य उम्मीदवार और भी हैं, साथ में कुल 6 उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस काफ़ी जोर लगा रही है वार्ड से, और बीजेपी की बूथ नेटवर्क, बीजेपी का बूथ नेटवर्क, बीजेपी का स्थानीय कार्यकर्ता काफ़ी मजबूत नज़र आता है। वार्ड में जीतने के लिए क्या रणनीति है? हालांकि गिरीश अपने वार्ड में काफ़ी पॉपुलर हैं, जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय हैं, अब गिरीश से जानना चाहेंगे कि जीतने की क्या रणनीति है।
दिनेश जी, मैं आपके संदर्भ में कुछ दो तीन बातें डालना चाहूँगा, हो सकता है मैं शायद आपके दो मिनट ज़्यादा लूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव लड़ने के भी कई रीजन्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिसके लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी की सेवा करनी है इसलिए चुनाव लड़ते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अगर आज आपको, अगर मेरी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने भाजपा के लिए बहुत काम किया है, विधानसभा चुनाव में काम किया है, लोकसभा चुनाव में काम किया है, अभी जो चुनाव गए हैं उन चुनावों में काम किया है, ठीक है। अगर मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो मैं ये स्टेप कभी नहीं लेता, इतना तो आप भी समझ सकते हैं। नहीं लेने के पीछे एक ही रीज़न है कि सबसे पहले मुझे अपने देश, वार्ड और अपने शहर से प्रेम, मुझे इसका विकास चाहिए, मुझे खुद का विकास नहीं चाहिए। खुद के विकास के लिए मेरे पास मेरा व्यवसाय है, मेरे पास मेरा काम है, और मैं सिर्फ ये उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जो दिन रात किसी चाय के ठेले पे बैठकर, किसी गली के नुक्कड़ पर बैठकर जो बातें करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं, विचारक बनते हैं, अपने विचार रखते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सिर्फ इन बातों से काम नहीं चलता है, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ मैं आगे आया हूँ, और इसी सोच के साथ आगे आने के बाद जब आज का युवा इस सोच के साथ आगे आएगा तो मेरे भारत और मेरे वार्ड के विकास को कोई नहीं रोक सकता। आपने भाजपा की तरफ से कोशिश करी थी पार्षद पद की उम्मीदवारी के लिए? मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार मैंने अपनी दावेदारी रखी थी, इस साल मैंने अपनी दावेदारी नहीं रखी थी, पिछले साल मैंने दावेदारी रखी थी, और पिछले साल दावेदारी रखने के बाद में मेरे को टिकट जो है भाजपा द्वारा नहीं दिया गया था, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता ज़रूरी कि उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो जिन जिनतियों को हम गलत कह सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताऊं कि आज एक बंदा जो है अगर वो काम करना चाहता है, जैसा आपने खुद ने बोला कि पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी होने के पीछे क्या कारण है? एक ही कारण होता है कि अगर आपको किसी ने फ़ोन किया और आप किसी का काम आ गए तो बंदा आपको याद रखेगा, वरना कोई क्यों याद रखेगा। दूसरी चीज़, मैंने पिछली बार टिकट नहीं मांगा, टिकट मांगा था पर नहीं मिला, पर मुझे मेरे वार्ड के लिए लड़ना था, मैं लड़ लिया। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था तो लोगों ने मुझे बोला कि आपको लड़ना पड़ेगा, मैंने आखिरी मोमेंट तक, जिस दिन नामांकन किया उसके एक रात पहले तक मेरा डिसीजन यही था मुझे चुनाव नहीं लड़ना। महत्वपूर्ण बात ये बताई गिरीश ने कि आखिरी दिन तक कोई तैयारी नहीं थी और अंतिम क्षणों में चुनाव में उतरे हैं। मंशा ही नहीं थी, कोई तैयारी नहीं, मंशा ही नहीं थी कोई चुनाव लड़ने की। पर जो मेरे लोग हैं, जिनको मुझ पर विश्वास है, जिनको ये लगता है कि मेरे में कुछ इच्छा शक्ति है, मैं कुछ करना चाहता हूँ हमारे वार्ड के लिए, उन लोगों ने प्रेशराइज किया, हमारे वार्ड के लोगों ने प्रेशराइज किया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। एक बात आपने बताई थी कि वार्ड में समितियां बनाएंगे, एक नई सोच के साथ में आप वार्ड का विज़न रख रहे हैं, इसके अलावा और क्या आपकी कार्य योजना है अपने वार्ड 18 के लिए? क्या नई कोशिश करना चाहेंगे, क्या बेहतरी वार्ड के लोगों को देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे सपोज कोई भी पार्षद बनता है, चाहे मैं चुनाव जीत के पार्षद बनूं या तो कोई भी पार्षद बनता है, सबसे पहली चीज़ ये होती है प्रायोरिटी के, एक आदमी जो पार्षद बनता है वो अपने आप को नेता ना मानकर अपने आप को एक प्रोफेशनल समझे, अपने आप का एनालाइज करे कि मुझे काम करना है तो मेरे काम करने का तरीका क्या होता है। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको छोटी सी, कि आज ठीक है पार्षद बन गया, आप मुझे कोई भी एक प्राइवेट कंपनी बता दो जिस कंपनी में CEO तक के कोई फाइनल टारगेट्स, मंथली टारगेट्स नहीं होते, हर जगह टारगेट्स होते हैं, यहाँ आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा, आप अपने आप को टारगेट दो। सबसे पहले तो मुझे मेरे वार्ड का सर्वे करवाना है, एक एक गली में, एक एक बंदे से, एक एक बुजुर्ग से जाके पूछना है कि पर्टिकुलर आपकी गली की समस्या क्या है, वो डेटा मुझे इकट्ठा करना है, वो फीडबैक इकट्ठा करना है, उसके लिए मुझे मेरी टीम को लगानी है, मेरे साथियों को लगाना है। जब वो फीडबैक मेरे पास आ जाएंगे, उन फीडबैक को लाने के बाद में फिर मुझे उन समस्याओं पर काम करना चालू करना है। आज होता क्या है, कोई भी पार्षद बनता है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं कि वो वाली रोड बनवानी है, वहाँ ये बनवाना, सिर्फ फोकस उन्हीं पे होता है। आप कभी चुनाव जीतने के बाद मैंने नहीं देखा किसी भी पार्षद को कि वो आके उस वार्ड में उन लोगों से मंत्रणा करे, वहाँ पे समूह बनाए, उनसे पूछे कि पर्टिकुलर अपने को कहाँ से चालू करना है। जब तक ये चीज़ें नहीं चेंज होंगी, जब तक ये कार्यप्रणाली नहीं चेंज होंगी, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आ सकते दिनेश जी, आप यकीन मानिए। क्यों? कि जब तक आप लोगों के साथ में जुड़ के काम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों से साझा नहीं करोगे, क्यों कि आज अगर आप, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, कोई पार्षद है वो 5 साल काम कर रहा है और जो तरीका मैं बता रहा हूँ कि वो लोगों से शुरू से पहले दिन से साझा कर रहा है हर चीज़ को और उनके साथ में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, क्या आप आने वाले 5 साल बाद अगर वो वापस पार्षद की दावेदारी रखता है तो उसे अपने काम किसी को गिनाने जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के सामने काम किया, लोगों के साथ काम किया,
आज वो नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को ज़्यादा गिनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैंने मेरे कार्यकाल में ये किया, मैंने मेरे कार्यकाल में ये किया। अरे लोग बोलेंगे ना अगर आपने किया तो, आपको कहाँ बोलने की जरूरत, लोग बोलेंगे। काम बोलता है, गिरीश जी भाई साहब ने वार्ड 18 से बहुत बड़ा संदेश दिया है कि काम बोलता है, और दूसरी सामाजिक भागीदारी वार्ड के विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जीतने के लिए? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि लोगों से, सिर्फ मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं सीधी सी बात है कि अगर आपको अपना घर साफ करना है तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। खाली एक पार्षद भी जो होता है नियुक्त किया हुआ, वो पार्षद भी आपके पूरे वार्ड को साफ नहीं कर सकता। ये बात खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री किसी समुद्र के किनारे पे अगर प्लास्टिक उठा रहे हैं, वहाँ से कचरा उठा रहे हैं, तो उनको भी पता है कि मेरी भागीदारी होगी, चाहे मैं प्रधानमंत्री हूँ। मुझे देख के अगर 5 लोग भी करेंगे तो कम से कम उन 5 लोगों जितनी सफाई तो होगी। तो जब तक जनहित को या जनमानस को साथ में लेके काम नहीं किया जाएगा, तब तक किसी वार्ड का विकास होना असंभव, कभी हो ही नहीं सकता। ये थे वार्ड 18 से जनता सेना के लोकप्रिय उम्मीदवार गिरीश जी भाई साहब, न्यूज़ एजेंसी इंडिया, उदयपुर, राजस्थान।